हेलो हाय अतरंगीज, वेलकम टू आवर चैनल अद्भुत अतरंगीज। आज हम बनाएंगे राजमा चावल, एकदम यम्मी टेस्टी वाले राजमा चावल। सबसे पहले हम राजमा को भिगो लेंगे। मैंने यहाँ पर 1 कप राजमा लिए भिगोने के लिए। मैंने यहाँ राजमा को पूरी रात भिगोया था। आप चाहे तो 4 से 5 घंटे में अच्छे से राजमा भीग जाता है। उसके बाद हम राजमा को उबाल लेंगे। मैंने उबालते समय थोड़ा सा नमक डाला था राजमा में। के बाद हम अपनी चॉपिंग कर लेंगे। सबसे पहले हम लहसुन काटेंगे छोटा छोटा बारीक बारीक। फिर हम अपना प्याज भी काट लेंगे। मैंने यहाँ पे 3 मीडियम साइज के अनियन लिए हैं। और मैंने यहाँ पे 3 टमाटर भी लिए, साथ में 2 मिर्ची काट भी ली थी। आप चाहे तो मिर्ची छोटी छोटी काट सकते हैं, बट मैंने स्लेट की है। तो चलिए बनाते हैं अपने टेस्टी यम्मी राजमा। मैंने गैस में कढ़ाई को रख लिया है और अब मैं राजमा बनाने वाली हूँ मस्टर्ड ऑयल में, यानी कि सरसों के तेल में। आप चाहे अपनी पसंद से कोई भी ऑयल ले सकते हैं। सबसे पहले हम जीरा डालेंगे, 1 चम्मच मेथी दाना डालेंगे। उसके बाद सबसे पहले हम अपने लहसुन को और हरी मिर्ची को डाल देंगे। लहसुन को थोड़ा भूनने के बाद हम इसमें अनियन डालेंगे। अनियन को अच्छी तरह से कैरमलाइज कर लेंगे ताकि हमारी ग्रेवी में एकदम अच्छा कलर आए। थोड़ा सा हींग भी डालेंगे। जब प्याज अच्छे से भून जाएगा तो हमने इसके बाद डाला इसमें थोड़ा सा किचन किंग मसाला और थोड़ा सा गरम मसाला और थोड़ा सा धनिया पाउडर और थोड़ा सा हल्दी पाउडर। हमने बनाते समय ना उबालते समय कोई खड़े मसाले का यूज़ किया था, हम सिर्फ यहाँ पे पाउडर का यूज़ करें और सब राजमा के हिसाब से टेस्ट के अनुसार नमक। हम थोड़ा टमाटर को पकाने के लिए थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। थोड़ी देर बाद हमारे टमाटर अच्छे से पक चुके हैं और हम मैश कर रहे हैं तो मैश हो रहे हैं। अब इसके बाद थोड़ा सा तेल छूट गया है जब इसमें से, तब हम थोड़ी सी इसमें
पेस्ट बनाएंगे। टमाटर के बीच में थोड़ी सी स्पेस बनाएंगे और इसमें सिर्फ तेल आ जाएगा, तब हम इसमें कसूरी मेथी डालेंगे और इसे थोड़ा सा भूनने के बाद इसमें मिक्स कर देंगे। ऐसा करने से हमारी कसूरी मेथी का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और अब हम अपने इसमें बॉइल्ड राजमा डाल देंगे और हम इसे 5 से 6 मिनट के लिए स्लो गैस में अच्छे से उबाल लेंगे। इसके बाद बनाएंगे हम अपने जीरा राइस। सबसे पहले हम पैन लेंगे, उसमें थोड़ा सा घी डालेंगे, थोड़ा सा ऑयल डालेंगे ताकि घी जल ना जाए। हम इसमें थोड़ा सा शाह जीरा डालेंगे 1 चम्मच के करीब। अपने धुले राइस डाल देंगे। मैंने राइस को 15 मिनट पहले धोकर रख लिया था, भिगोकर नहीं रखा था। उसके बाद हम इसे घी में अच्छे से भून लेंगे शाइनी होने तक। ऐसा करने से हमारे राइस जो है एकदम खिले खिले बनेंगे और टेस्टी बनेंगे। 2 मिनट अच्छी तरह से भूनने के बाद हमने इसमें पानी डाल दिया है। मेरे 1 कप राइस थे तो मैंने 2 कप पानी डाल दिया है। और हम इसे ढक देंगे मीडियम गैस में। 5 से 10 मिनट में हमारे राइस बनकर तैयार है। ये रही हमारी राजमा राइस की प्लेट।